जिनमें मुख्य दस्ताचे हैं। अब इन सभी जांचों में सबसे खतरनाक तत्व होते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो हमारे सामान्य पानी में हम लोग रक्त तंत्र या स्वाद के माध्यम से नहीं जान पाते हैं। साथ ही साथ ये जो पानी को सोचे कि उबाल करके पिए तो इन तत्वों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आर्सेनिक और फ्लोराइड ऐसे तत्व हैं जिन्हें जांच के ही माध्यम से जाना जा सकता है कि हमारे पानी में ये इनकी कितनी मात्रा है। साथ ही साथ में आप यहाँ पानी की एक जांच की हुई है जो कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पानी में आर्सेनिक की जो मात्रा होती है वो 0.0 मिलीग्राम से लेकर 0.005 मिलीग्राम तक सुरक्षित होता है। 0.0 आर्सेनिक है। यदि हमारे पानी में आर्सेनिक की मात्रा 0.005 मिलीग्राम के ऊपर पहुँचता है तो हमको बीमारी होती है आर्सेनिक कोशिश नामक बीमारी। आर्सेनिक कोशिश क्या होता है? इसके जो लक्षण होते हैं हमारे शरीर में सफेद पैदावार चक्कर के चट्टे बढ़ते हैं और उन चट्टों में पानी की बूंदों की तरह बढ़ता पानी की बूंदों तक बढ़ता है। आगे जब बढ़ता है तो हमारे हाथों की जो पदेवी होती है पैरों के जो तलवे होते हैं ये चमड़ी हमारी धीरे धीरे करके सफेद होने लगी। इनमें काले काले छोटे छोटे पहले तो दाग बने लगे, वही दाग आगे चल करके गांठे बनने लगती हैं, फटने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। फिर तीसरे क्रम में पहुँचता है गैंग्रीन तक की शिकायत होती है। गैंग्रीन का क्या होता है? हमारे हाथों की उंगलियों पैरों की उंगलियों में शर्म शुरू हो जाती है, खाने की कंडीशन होने लगती है, हमारी हड्डी और मांस के मवाद के रूप में चूने शुरू हो जाते हैं, लेकिन एक असहनीय दर्द का हमको सामना करना पड़ता है। आगे जब यह और आगे पहुंचता है तो हमको भोवे नोट हो जाता है। भोवे क्या होता है? हमारे शरीर का किसी भी जगह पर नीला नीला चकत्ता धक्का धब्बा पड़ता है जिसको आप स्किन कैंसर कहते हैं। यदि वो नीला दाग पड़ता है तो गाँव में बताया जाता है यदि किसी कंडीशन में किसी जगह पर किसी व्यक्ति को आप देखें कि इसके शरीर में नीला नीला दाग है तो तत्काल उसको सूचित करिए कि ये आपको कैसा का रूप ले रहा है। आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए ताकि इस समस्या इसका उपचार हो सके। तुरंत के लिए लोगों को बताया जाता है कि यदि जाने अनजाने आप आर्सेनिक युक्त पानी को भी पी रहे हैं और यदि कुछ ऐसे हमारे साइंटिस्टों ने एंटीऑक्सीडेंट पदार्थों का रिसर्च किया हुआ है यदि उनको अपने खान पान में शामिल करते हैं तो आर्सेनिक से होने वाले कुप्रभावों का भी हम रोकथाम कर सकते हैं। वो पदार्थ है कोहड़ा, आम, पपीता, प्याज, लहसुन, गाजर, शकरकंद, अदरक। ये इनमें भरपूर मात्रा में पर्याप्त मात्रा में आर्सेनिक से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है लोगों में उसको बढ़ाते हैं। यदि हम अपने खान पान में इन आठ चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी यदि पर्याप्त मात्रा में शामिल लेते हैं तो निश्चित तौर से आर्सेनिक से होने वाले कुप्रभावों का हम कम कर सकते हैं। दूसरे क्रम में हमारे पानी में क्लोराइड की मात्रा 0.0 मिलीग्राम से लेकर 0.5 मिलीग्राम तक सुरक्षित होता है, 1 मिलीग्राम सावधान करता है। अभी हमारा जो पानी है वो सुरक्षित पीने के लिए है, यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम अभी दिक्कत नहीं है। जब ये हमारे पानी में क्लोराइड की मात्रा 1 मिलीग्राम को क्रॉस करता है, 1.5 मिलीग्राम में पहुँचता है, 2 मिलीग्राम में पहुँचता है, तब हमको बीमारी होती है फ्लोरोसिस नामक बीमारी। लोगों को बताते हैं यदि फ्लोराइड से फ्लोराइड की बीमारी आप पीते हैं तो आपको फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लोरोसिस क्या होता है? ये तीन प्रकार की फ्लोरोसिस होती है, दंतीय फ्लोरोसिस, कंकाली फ्लोरोसिस, बॉडी फ्लोरोसिस। दंतीय फ्लोरोसिस में क्या होता है? हमारे दांत पीले होने लगते हैं, दांतों में पीले पीले चक्कर पड़ने शुरू हो जाते हैं, कोई कोई दांत हमारा संगमरमर की तरह चमकने लगता है, आगे चलकर टूट जाएगा, कुड़ना होना, मुंह में फायर हो जाएगा, बदबू देना धीरे धीरे आगे सारे दांत। कंकाली फ्लोरोसिस में हमारे जो हड्डियाँ हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, हाथ पैर की लचीली हो सकती है, जॉइंटों में दर्द, घुटनों में दर्द, गांठ में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन के नीचे दर्द, जिसका सर्वाइकल भी कहते हैं। सर्वाइकल चीज अलग है लेकिन गर्दन के नीचे का ये दर्द होता है ये अलग है। बॉडी फ्लोरोसिस क्या होता है? जी विचलाना, भूख लगना, सरदर्द बना रहना, खून की कमी होना, कितनी सारी बीमारियों को हमारा फ्लोराइड भी चलता है। अब कहने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अलग अनेक अनेक चीज़ें बताएगा, लेकिन जो फ्लोराइड है तो अकेले फ्लोराइड ही कम से कम 20 बीमारियों को जन्म देता है अकेले में। तो ऐसी अवस्था में लोगों को बताया जाता है यदि आप जाने अनजाने में फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं और इन चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, लगभग 10 चीज़ें हैं जो फ्लोराइड से होने वाले कुप्रभाव पर रोकथाम कर सकते हैं। वो चीज़ें हैं कौन सी जिसमें से आपको पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है? वो कैल्शियम का आहार है दूध, दही, अंडा, नींबू, आंवला, संतरा, जीरा, हरी सब्जी, साथ ही साथ में सहजन की पत्तियाँ, सहजन की फलियाँ, सहजन बहुत लाभ है। लोगों को बताया जाता है कि
सही होना चाहिए है, आंवला है, सहजन की पत्तियाँ, सहजन की फलियाँ, लेकिन उसे कोई एक चीज़ यदि हम पर्याप्त मात्रा में पाए, हम तो ये भी बताते हैं लोगों को फल से ज़्यादा पत्तियाँ लाभदायक है, क्या चूँकि हमको हर महीना हर सीजन में फलियाँ मिलेंगी नहीं, तो यदि हम खाली पेट कुछ पत्तियाँ तोड़ करके उसको जमा करके पीए तो शायद कैल्शियम की जो मात्रा शरीर में कम हो रही है वो हमारा मेंटेन होता है। साथ ही साथ में हमारे पानी में हार्डनेस, हमारे पानी में हार्डनेस 300 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक ही सुरक्षित होता है, इससे अधिक होने वाला सुरक्षित अभी मौजूदा हाल फिलहाल के पानी में 345 मिलीग्राम प्रतिलीटर के हिसाब से हार्डनेस की मात्रा पाई गई है, सुरक्षित। अच्छी होने की दशा में करना क्या है, ये दोनों वायु और जिंदगी हमारे सुखल ही दोनों वायु और जिंदगी जैसे पढ़ते मिलना चाहिए, और कुछ दशा में समस्या हमको पैदा होती है, हमारी जो कोशिकाएं उनमें कैंसर का जमना, मूत्र संक्रमण तंत्र में पथरी रोग होना, सांसों की ज्यादा जिस पानी में सांसों की खपत ज्यादा हो जाए तो हमें सांस लेना चाहिए, इस पानी में हार्ड पड़ता है, और यदि उस हार्ड पानी को हम पीते रहेंगे तो जो हमने कहा कि हमारे धमनियों में कैंसर को जमना, मूत्र संक्रमण तंत्र में पथरी रोग होना, ये बीमारी यदि जब हम देखते हैं कि हमारे पानी में हमें ज़्यादा खपत हो रही है तो किस पानी के यदि हम 20 मिनट उबाल लें तो पानी के बाद जो भरा होना है छान करके उसका तो बेटा इसी के क्रम में नाइट्रेट भी हमारे पानी में 0.00 मिलीग्राम से लेकर के 45 मिलीग्राम प्रति लीटर तक ये सुरक्षित होता है, इससे अधिक होने पर अपरक्षित होता। नाइट्रेट कैसे होता है, जब हमारे हैंडपम्प के 30 फीट के अंदर कहीं पर जल जमाव होता है या फिर जैविक खाद रासायनिक खाद घुल मिल करके हमारे हैंडपम्प के नीचे पहुंचता है तब वहाँ पर नाइट्रेट की स्थिति बढ़ जाती है, और बढ़ने की दशा में जो करता क्या है, सबसे पहला तो ये प्रभाव डालेगा हमारे बच्चों में, बच्चों में कौन सा प्रभाव डालता है, लोगों को बताया जाता है कि जो आपका बच्चा कहते हैं कि नीला पड़ गया, नीला पड़ गया, अगर नीला ऐसे नहीं पड़ा, वो नाइट्रेट युक्त पानी पिया है या उसकी माँ ने जो पानी पिया है तो उसके माध्यम से उसके शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ रही है, और बढ़ने पर क्या करता है बच्चों के नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट नाइट्रोजन का यौगिक होता है, ये बच्चे के हीमोग्लोबिन को मैथमोग्लोबिन में बदल देता है, जिसकी वजह से उसके जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है, रुक जाती है, जिसकी वजह से शरीर का नीला पड़ने लगता है, जिससे ब्लू बेबी या फिर मैक्रोग्लोबुलिया नामक बीमारी होती है। इन बीमारियों से बचने के लिए लोगों को यही बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके अपने हैंडपम्प स्रोत या जो भी पीने वाले स्रोत हैं 40-50 फीट के दूर में ही हम कोई गंदगी करें, यदि हम गंदगी चलते हैं तो इन समस्याओं का हमें सामना करना ही पड़ेगा, ऐसे सारे विषयों पर खुद करके विस्तृत चर्चा की जाती है।